श्री गोपीनाथ कविराज जी अपने जीवन में जितने संतों से मिले थे, उस सीरीज में हम अभी तक 3 संतों के बारे में सुन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 2 सिद्धों के बारे में जानेंगे, एक भोलानंद गिरी महाराज और दूसरा देवनाथपुरा की भैरवी। तो श्री भोलानंद गिरी महाराज जी पे मैंने पूरी जीवनी बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट में या वीडियो में अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और हरिद्वार में जहाँ पे उनका आश्रम है वहाँ पे एक दिव्य शिवलिंग भी है, तो आप कभी भी हरिद्वार जाएं तो उस शिवलिंग का दर्शन अवश्य करें। और उनकी जीवनी में मैंने विस्तार से बताया है कि वो शिवलिंग दिव्य कैसे है, मतलब चमत्कारिक कैसे है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो उनकी पूरी जीवनी आप वहाँ पर सुन सकते हैं। इस वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे कि श्री गोपीनाथ कविराज जी का अनुभव क्या था, उन्होंने उनके बारे में क्या लिखा है, तो आइए हम सुनते हैं। गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं, इनका नाम लड़कपन से सुन रहा था महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी की भक्त मंडली में, इनकी चर्चा बराबर होती थी, उसे सुनकर मैं इनके प्रति आकृष्ट हुआ था। तभी से इनके दर्शन की इच्छा तीव्र होती गई, किंतु उसकी पूर्ति में कई वर्ष लग गए। 1912 ईस्वी में एक मित्र के साथ मैं हरिद्वार गया था। यह मेरी पहली हरिद्वार यात्रा थी। संयोगवश इन दिनों ये महानुभाव वहीं विराज रहे थे। इसकी सूचना पाकर मैंने उनके गंगा तटवर्ती आवास स्थल लाल तारा बाग में जाकर दर्शन किया। इसके बाद कई दिनों तक निरंतर सत्संग करता रहा। इनकी विलक्षण प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। बाबा जी ने अंतरंग भाव से अजपा रहस्य के विषय में बहुत सी बातें बताई, उनमें से अधिकांश गोपनीय है। प्रकाश योग्य कुछ बातें ये थी। पहला, मनुष्य की स्वाभाविक श्वास की संख्या 21,600 मानी जाती है, इसलिए प्रति श्वास के साथ नाम का संबंध रहना अजपा का गूढ़ तात्पर्य है। ऐसा ना कर सकने पर भी नित्य, जब चाहे एक समय में हो चाहे भिन्न समय में, खंड सह 21,600 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अपनी आय से कुछ अंश दान के लिए निकालना चाहिए। इस सत्संग काल में किसी किसी विषय में इनकी विलक्षण अंतर्दृष्टि तथा सामर्थ्य का परिचय मुझे मिला था। उस समय मैं विद्यार्थी था। इसके बाद 1918 ईस्वी के कुंभ मेले में इनके दर्शन का पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर समागत साधु संतों ने इनको विशेष रूप से सम्मानित किया था। तो गोपीनाथ कविराज जी ने श्री भोलानंद महाराज के बारे में इतना ही लिखा है, और उन्होंने एक भैरवी के बारे में भी बहुत संक्षिप्त में ही लिखा है। एक्चुअली इस सीरीज में हम ये बातें जानेंगे कि श्री गोपीनाथ कविराज जी अपने जीवन में जितने संतों से मिले थे, उन्होंने जो लिपिबद्ध किया है, तो कई कई संतों के बारे में उन्होंने 2-3 लाइन ही बस लिखा है, क्योंकि उनको उतनी ही जानकारी थी। तो आइए हम सुनते हैं देवनाथपुरा की भैरवी के बारे में कि उन्होंने क्या लिखा है। 1912 ईस्वी में जब मैं MA में पढ़ता था, इनका दर्शन कभी कभी होता था। उन दिनों मैं 53 देवनाथपुरा में किराए का मकान लेकर रहता था। उसी मोहल्ले में ये हमारे घर के निकट ही एक शिवालय में रहती थी, जो प्राचीन समय से ही सिद्ध शैव तथा शाक्तों द्वारा संश्लिष्ट रहा है। इनका वैशिष्ट्य इस बात में देखा गया था कि संध्या की आरती के समय उस मंदिर में जो लोग उपस्थित होते थे, उन्हें ये अंत में कुछ ना कुछ मिष्ठान खाने को देती थी। इनके पास एक झोला था, प्रसाद उसी में से निकालकर बांटती थी। यह विशेषता थी कि चाहे जितने लोग हो, इस छोटे झोले का मिष्ठान कभी समाप्त होते नहीं देखा गया, इसलिए लोग उसे सिद्ध की झोली कहा करते थे। मालूम पड़ता था कि यह भैरवी माता तांत्रिक साधना में सिद्ध थी, ये साक्षात करुणा मूर्ति थी। तो अगर
कोई श्रोतागण, अगर आप देवनाथपुरा के बारे में जानते हैं, आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके पास कुछ ज़्यादा जानकारी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो प्लीज़ आप मुझसे संपर्क कीजिए। जो भी आपको जानकारी है वहाँ के बारे में, तो हम उसे प्रकाशित करेंगे। जो भी हो सकेगा भगवान की कृपा से हम करेंगे। और श्री गोपीनाथ कविराज जी के सीरीज में जिन संतों से वो मिले थे, उसका मैंने आपको बताया कि मैं अलग से कोई सीरीज नहीं बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वो प्लेलिस्ट का, जहाँ पे आपको सिर्फ उन संतों के बारे में ही सुनने को मिलेगा जिनसे गोपीनाथ कविराज जी मिले थे अपने जीवन में, या उनके बारे में जो उन्होंने लिखा है। तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, पुस्तक का भी लिंक दिया गया है। जिस पुस्तक से मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार सहयोग कर सकते हैं। और वैसे भी आप मुझे सुनकर संतों की जीवनी दूसरे लोगों तक शेयर करके, उन्हें सुना के ही बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, तो मैं आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी, तो फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।